आज बात करने वाले असुर सीजन 2 के बारे में एंडिंग एक्सप्लेन करेंगे, साथ में हम असुर की ऐसे ऐसे थ्योरी में बताने वाला हूँ जो कि देखने के बाद आपके होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि असुर अभी तक मरा नहीं है। ठीक है तो अब इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कीजिएगा और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए लाल वाला बटन को, अभी तो लाल से ग्रे हो सके, व्हाइट हो चुका है सर, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, हमारे असुर सीजन 2 में अभी हमने देखा है कि असुर अभी मरा नहीं है, तो अंत ही आरंभ है। जैसे हमारे जितना भी एपिसोड में हमने देखा है तो अंत ही आरंभ है, हर एपिसोड के स्टार्टिंग में लिखा हुआ आता है, तो वो चीज़ आपको क्लियर करता है कि आपको अभी तक ये सीरीज खत्म नहीं हुआ, तीसरा सीजन भी आने वाला है, अंत ही आरंभ है। और एक ऐसा थ्योरी है जो कि एकदम कंफर्म कर देगा नेक्स्ट असुर कौन सा है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और एक ऐसा भी थ्योरी है जो कि बताया डीजे सर जब भी चाहते हैं वृंदा के घर, तब वहाँ पे कहता है, वृंदा कहती है कि मतलब कि शुभ ही मुझे बोलता है कि आपको हेल्प करने के लिए, डीजे सर को हेल्प करने के लिए बताता है, तो वो ऐसा एक थ्योरी है जो कि आपको हिंट देता है कि अगला असुर वृंदा भी हो सकती है, ऐसा मेरा अनुमान है जो मिलते हैं। और इसके लिए और एक क्लियर कर देता है, लास्ट में हम देखते हैं कि वृंदा के घर एंडिंग वाले एपिसोड में कि वृंदा के घर डीजे सर जाते हैं, तब वहाँ पे काफ़ी सारे स्केच मिलते हैं जो कि असुर के होते हैं, असुर के स्केच बनाए गए होते हैं, तो इससे क्लियर होता है कि शायद अगला असुर हमारा वृंदा हो सकती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरी की, जो कि लास्ट में हमने जो कि सबसे पहले बता दिया था, ऐसा जो थ्योरी है जो कि आपको देखने के बाद सोचने के बाद एकदम क्लियर हो जाएगा। और ये थ्योरी जो है, जब निखिल जाता है शुभ से मिलने, यानी कि एंडिंग में, जबकि डीजे सर शुभ को गोली मारकर और कहते हैं कि आपको पूरा मार देंगे तो आपको आज़ादी मिल जाएगी, मुक्ति ही मिल जाएगी, तो इस वजह से डीजे सर ना लास्ट एपिसोड के दौरान गोली मारने के बाद शुभ को वो जेल में डाल देते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि निखिल जब जाता है शुभ से मिलने तो शुभ को वो मार देता है, वहाँ पर देखते हैं कि हाँ शुभ मर चुका है, लेकिन वहाँ पे एक पॉइंट हमें शुभ की तरफ से मिलता है कि नेक्स्ट सीजन आने वाला है, उसका मेन रीजन यहाँ पर साइड में मैं एक दे रहा हूँ, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसका एंडिंग एक्सप्लेन कर देता हूँ, इस चीज़ को मैं जो दिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो इस चीज़ को बता रहा हूँ। जैसे कि हमें ये कोका और विकोका का एक कहानी सुनाता है शुभ वहाँ पे, जो कि कली का एक सेनापति है। ठीक है, तो इस सेनापति, जब तक ये दोनों कोका और विकोका एक साथ रहेंगे तब तक कली को मारा नहीं जा सकता। ठीक है, तो इस वजह से वो जब वो दोनों का व्यू रच कर और मार दिया जाता है, तब वहाँ पे कली को मार देने के बाद वो मृत्यु होने के बाद फिर वो कलिक अब एक शरीर में नहीं रहेगा, वहाँ पे शुभ अच्छे से बताता है। ठीक है, अच्छे से वहाँ पे उस जगह पे आप जा कर देखिएगा, मैं वहाँ पे वो चीज़ कितने समय तक कितने दूर में वो बताया गया है डिस्क्रिप्शन में, मैं वहाँ पर पॉइंट कर दूंगा। ठीक है, तो जाकर वहाँ पे देख लेना, अच्छा समझ में नहीं आ रहा तो उस चीज़ को बताया जाता है। तो उसके बाद वहाँ पे जब हसुब बोलता है कि अब कली अभी तक मरा नहीं है, हर पुनः जीवित होगा और अलग अलग शरीर में वो जीवित होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम मुझे डाउट जाता है, जब वृंदा को वहाँ पे डीजे सर मिलने जाते हैं तो डीजे सर जाते हैं तो वृंदा नहीं रहती है वहाँ पे, काफ़ी सारे यहाँ पे स्केच मिलते हैं जो कि आपको असुर के होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से सच जाता है वहाँ पे कि अगला असुर वृंदा हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे मार दिया गया है असुर को, तो ये तो मर गया है, जिंदा तो होगा नहीं। ठीक है, तो लेकिन असुर अभी भी जिंदा है। ठीक है, और अब बात करते हैं अगले थ्योरी की, जो कि जैसे कि आपको ये जो फोटो अब दिख रहा है तो इस चीज़ को देख लीजिए गौर से, आपको 7 मिनट छठे एपिसोड में 7 मिनट 13 सेकेंड में आपको वहाँ पे कहता है शुभ कि
महायुद्ध में छोटे छोटे लड़ाइयां हार जाना इस युद्ध में इसी का त्याग नाम है। तो इसका अर्थ मैं बताता हूँ, तो वहां पे इसका अर्थ निकलता है कि जब हार जाता है युद्ध, यानी कि आपको लास्ट में शुभ डीजे सर से हार जाता है, वो पकड़ा जाता है और वहां पे लेकिन युद्ध वो जीत जाता है। कैसे जीत जाता है, यानी कि वो आगे भी जितने भी थ्योरीज मैंने बताए उन चीजों को समझो आप, तो आपको क्लियर हो जाएगा ये चीज। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको इनमें से कौन सा लगता है कि आपको अगला होने वाला है असुर, समझे ना? नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक लीजिए।